हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन सरोजर। आप देख रहे हैं पबजी की दुनिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप पबजी मोबाइल बहुत ही ज़्यादा खेलते हो, पबजी मोबाइल के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको तीन ऐसे प्रो ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे यूज़ करके आप एक प्रो प्लेयर बन जाओगे। आप आसानी से सारे के सारे एनिमी को किल कर दोगे और वो आपको खोज भी नहीं पाएंगे कि आप उन्हें कहाँ से मार रहे हो, कैसे कैसे मार दिए। और काफ़ी ज़्यादा जो है आप चिकन डिनर कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ा आने वाला है पबजी मोबाइल में। वैसे आपको पता है कि जब हम पबजी मोबाइल स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अब आप टेंशन मत लीजिए, आपको सब कुछ जो है समझ में आने लगेगा। आप काफ़ी जो है कमाल कमाल के जो है किल करोगे, सबको पता भी नहीं चलेगा आप कहां से उन्हें मार रहे हो। तो अगर आप जानना चाहते हो इन तीनों ट्रिक के बारे में तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप एक नए व्यूअर हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इस चैनल पर आपको पबजी से रिलेटेड सारी की सारी नई नई वीडियो देखने को मिलती हैं। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूँ और एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो यार हमें मज़ा नहीं आएगा। तो जाते जाते ना इस वीडियो को 100 लाइक कंप्लीट कर देना, इसका 100 लाइक का ही टारगेट है, तो प्लीज़ पूरा कर देना। दोस्तों, जो सबसे पहली ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इस पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप बड़ा सा पेड़ देख सकते हो, मैं आपको बताऊँगा इस पेड़ के ऊपर आप कैसे चढ़ सकते हो। जैसा कि आपको पता है, अगर आप इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाओगे तो आसानी से एनिमी के ऊपर अटैक कर दोगे और उन्हें आसानी से किल कर सकते हो, लेकिन वो आपको खोज नहीं पाएंगे कि आप कहाँ से उन्हें मार रहे हो। ये ट्रिक जो है काफ़ी अच्छी वर्क करेगी, आप सब जो है ये काम कर सकते हो अपने फ़ोन में पबजी मोबाइल में। तो ये कहाँ पर वर्क करता है, यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं प्रिज्म में, प्रिजन के सामने आपको एक जो है छोटा सा प्लेस मिल जाता है, यहाँ पे जहाँ पे इस समय मैंने मार किया है, यहाँ पे ये ट्रिक काम करती है। तो सबसे पहले आपको ये जो टावर दिख रहा है ना, आपको इस टावर के एकदम टॉप पे चले जाना है। तो आइए मैं चला जाता हूँ फटाफट, यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है इसके एकदम टॉप पे। तो आइए हम टॉप पे चले जाते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसे ही आपको भी टॉप पे एकदम जाना है। यहाँ पे एकदम टॉप पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए एकदम टॉप पे आ गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर एक जंप करना है। यहाँ पे एक जंप करने के बाद थोड़ा सा आपको जो है इसके ऊपर एक और जंप करना है, उसके बाद आप एकदम इसके जो है टॉप पे आ जाओगे, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं। उसके बाद आपको गन पीछे रखना है और आगे बढ़ना है, थोड़ा सा आगे आपको बढ़ जाना है, यहाँ पे आप जैसा कि देख लीजिए। उसके बाद ये रहा हमारा पेड़, हमें इसके ऊपर जंप करना है। अब यहाँ से आपको भागते हुए जाना है और एक जंप करना है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं मैं पेड़ के ऊपर आ गया हूँ। अब मैं अपना गन लेके पिक एंड फायर का यूज़ करके आसानी के एनिमी के ऊपर अटैक कर सकता हूँ। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कोई मुझे जो है खोज भी नहीं पाएगा कि मैं कहाँ से उनके ऊपर जो है अटैक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप चाहो बैठ सकते हो, यहाँ पे आप चाहो यहाँ पे लेट भी सकते हो पेड़ के ऊपर। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं सांप भी बन सकते हो, आसानी से जो है एनिमी के ऊपर अटैक कर सकते हो। यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, काफ़ी कूल लगेगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप उनके ऊपर अटैक कहाँ से कर रहे हो। वो जब तक आपको खोजेंगे तब तक आप आसानी से उन्हें जो है किल कर दोगे, एकदम जो है आसानी से। ये आप अपने मोबाइल फ़ोन में लगा सकते हो ये ट्रिक। और आप चाहो यहाँ पर बैठ के पिक एंड फायर का यूज़ करके आप यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से जो है आप सारे के सारे एनिमी को किल कर सकते हो। तो ये हमारी पहली ट्रिक थी जिससे हम पेड़ के ऊपर जो है चढ़ जाएंगे, यहाँ पे आप जैसा कि खुद ही देख सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा दूसरा ट्रिक है ना वो इस बगी के लिए है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ये है बगी, ये सबसे तेज़ भागती है, ये हम सभी को पता है। इसे जब आप ड्राइव करते हो तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बहुत तेज़ मतलब कि इधर से उधर भागती रहती है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं बहुत तेज़ मतलब ये भागती है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं चलती, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इधर से उधर जो है भागती रहती है, जिससे हम जो है अगर ब्लू जोन में फंस जाते हैं तो जल्दी निकल भी नहीं पाते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये आप सभी को पता है इस बगी के बारे में। तो इस वीडियो में आपको एक प्रो ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इस बगी को ना काफ़ी प्रो तरीके से यूज़ कर पाओगे। तो उसके लिए आपको पता क्या करना है, इस बगी के ना ये जो सामने वाला है एक टायर को आपको पंचर कर देना है, फोड़ देना है। यहाँ पर आप जैसा कि देख लीजिए एक टायर को आपको फोड़ देना है, उसके बाद आपको इसे ड्राइव करना है। अब इसे जब आप ड्राइव करोगे ना तो ये एकदम स्मूथली भागेगी जैसा आप चाहोगे। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं इसकी स्पीड में कोई भी कमी नहीं आएगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं भाग रही है, काफ़ी स्मूथ तरीके से ये जो है हमारे कंट्रोल में चल रही है। तो इस प्रकार दोस्तों आप काफ़ी कंट्रोल में इस बगी को यूज़ कर पाओगे, अगर आप इस ट्रिक को जो है अपनाओगे तो जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस गेम में आपको, और काफ़ी प्रो तरीके से आप जो है लोगों को किल भी कर सकते हो इस बगी से।
दोस्तों जो आज का हमारा लास्ट और तीसरा ट्रिक है ना, वो इस बाइक के लिए है। जहाँ दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, ये बाइक इधर उधर बहुत ही ज़्यादा भागती है। अगर आप इसे चलाते हो तो आपके कंट्रोल में नहीं आती, बहुत ज़्यादा जो है भागती रहती है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं गिर जाते हैं बहुत बार। तो आज के इस वीडियो में आपको एक प्रो ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इस बाइक को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको पता है क्या करना है, इस बाइक के ना ये जो फ्रंट में टायर है आपको इसे फोड़ देना है, गोलियों से आपको इसे फोड़ देना है। और हाँ, इस बगी के ये सामने वाले टायर को भी आपको फोड़ देना है। यहाँ पे सॉरी बगी नहीं, इस बाइक का ये जो जहाँ पे एक और आदमी को बैठा सकते हैं ना, इसको भी आपको फोड़ देना है। तो इतना फोड़ने के बाद अब आपको इस बाइक को ड्राइव करना है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख लीजिए, अब इसे आप ड्राइव करोगे ना तो काफ़ी स्मूथ तरीके से ये बाइक जो है भागेगी। और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, ज़्यादा ऊपर जो है उछलती भी नहीं और एकदम जो है ज़मीन पर चलती है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, काफ़ी स्मूथ तरीके से अब भाग रही है ये बाइक। पहले क्या है, इधर उधर बहुत तेज़ जो है भाग रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, फुल कंट्रोल में आप इसे चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन ट्रिक को फॉलो करोगे तो काफ़ी प्रो तरीके से आप जो है ये पबजी मोबाइल का आनंद उठा पाओगे, काफ़ी प्रो तरीके से आप पबजी मोबाइल को खेल पाओगे। तो दोस्तों आपको इन तीनों ट्रिक्स में से कौन सा ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो का 100 लाइक का टारगेट है, जल्दी से पूरा कर दो। और अगर आप एक नए व्यूअर हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये नया चैनल है तो आपके प्यार की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट करना। थैंक यू दोस्तों।